श्री अखिलेश यादव जी को बहुत फ्रस्ट्रेशन है, बहुत वह कह लीजिए कि कंफ्यूज टाइप के नेता हो गए। उनको यह नहीं समझ में आता है कि किस बात का स्वागत करना चाहिए, किस बात का विरोध करना चाहिए। अगर ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को लेकर के दुनिया के निवेशकों में, देश के निवेशकों में उत्साह है, तो नेता प्रतिपक्ष के नाते, पूर्व मुख्यमंत्री के नाते इसका स्वागत करना चाहिए। वो आज हिसाब पूछ रहे हैं कि कितना आया है, ये सब हवा हवाई है। इस प्रकार की बातें मतलब किसी गंभीर राजनेता के नहीं लगते हैं, ये बचकाने बयान लगते हैं। तो श्री अखिलेश यादव जी बेरोजगार हैं तो हम तो उनको सत्ता में नहीं ला देंगे कि रोजगार ला करके करो सरकार चलाओ। उनको जनता ने नकार दिया है तो यह उनका दुर्भाग्य है। और अगर जनता की सेवा ठीक से किए होते तो लगातार चुनाव हार पर हार पर हार पर हार हार का हार न पहनते। ये तो जनता ने उन्हें बेरोजगार किया, उनको बेरोजगारों की चिंता नहीं है। वो सत्ता से बेदखल हो गए हैं, सत्ता के बिना अपने आप को बेरोजगार समझते हैं। इस बेरोजगारी को समस्या से ग्रस्त हैं। और बात हुआ बेरोजगार नौजवानों की करते हैं, जिनके उज्ज्वल भविष्य के लिए उत्तर प्रदेश में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट संपन्न। नमस्कार, मैं हूं देवकीनंदन मिश्रा, आप देख रहे हैं पब्लिक न्यूज टीवी। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। हाँ, एक बात और, हमारे इस चैनल को फॉलो करें, सब्सक्राइब करें, ताकि जैसे ही हम कोई नया वीडियो डालते हैं सबसे पहले आप तक वो पहुंचे।